तो बच्चों हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे क्या संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन और संवेग परिवर्तन की दर, और पढ़ चुके थे यह बराबर एम ए और पी बराबर एम इंटू वी पर आंकिक प्रश्न। हम पिछले लेक्चर में इतना पढ़े थे इन दोनों फार्मूले पर आंकिक प्रश्न और दो हेडिंग संवेग परिवर्तन और संवेग परिवर्तन की दर। तो प्यारे बच्चों संवेग परिवर्तन को हम डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला मिला था एम ब्रैकेट में वी माइनस यू, और संवेग परिवर्तन की दर का फार्मूला पढ़ा गया था बच्चों डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, पढ़े थे यही। तो भैया ये चीज़ आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, जो आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सबसे पहले पिछले लेक्चर अर्थात प्रीवियस लेक्चर को पढ़ लें तब समझ में आएगा आगे, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे आए हैं डोंट वरी, हम यहाँ पर प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, जो नहीं पढ़े बच्चों चैनल पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, चैनल का नाम टाइप करना जीनियस अकेडमी वीएल सर, प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप करेंगे क्या, वहां पर देखेंगे कक्षा 9 चैप्टर नंबर 8 लिखा होगा गति, फिर चैप्टर नंबर 2 बल और गति के नियम। तो भैया उसमें खोलना पूरा लेक्चर वाइज एक तरफ से पूरा दिया गया है, क्लिक करेंगे तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जो जिनका छूट चुका है, बाकी जिनका नहीं छूटा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं पढ़िए। तो नेक्स्ट हेडिंग आज हम लोग पढ़ने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग नाम को संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। ब्रैकेट में बच्चों हम लिख सकते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। अरे बच्चों अब यहां पर देखें न्यूटन का द्वितीय नियम पीछे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F बराबर क्या मिला था एम ए। एक न्यूटन का द्वितीय नियम यहाँ से परिभाषित होती है और एक न्यूटन का दूसरा नियम जो है संवेग के परिवर्तन से यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चों उसको पहले हम प्रूव करेंगे तब यहाँ पर परिभाषा समझते हैं, क्लियर। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान समझना। हम मानते हैं यहाँ पर कि माना किसी पिंड का या किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग यू तथा डेल्टा टी समय अंतराल बाद, तथा डेल्टा टी समय अंतराल में अंतिम वेग डेल्टा सॉरी वी हो जाता है, वी हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? हम जब संवेग परिवर्तन की दर पढ़ा रहे थे यही सेम कहानी लिखा गया था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है एम है और उस वस्तु का प्रारंभिक वेग अगर हम यू मान लें और डेल्टा टी समय अंतराल में अगर उस वस्तु का वेग क्या हो जाए वी हो जाए, वी का मतलब क्या बच्चों अंतिम वेग, तब बच्चों संवेग परिवर्तन की दर, तब संवेग परिवर्तन की दर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि दर बराबर संवेग परिवर्तन और अपान समयांतराल, यही फार्मूला पढ़े थे ना बच्चों। कोई प्रॉब्लम? कोई नया चीज तो है नहीं। संवेग परिवर्तन को किससे प्रदर्शित किया गया? डेल्टा पी, और समय अंतराल को डेल्टा टी। समझ में आई बात? ठीक है, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये बताओ बच्चों, क्योंकि हम डेल्टा पी बराबर फार्मूला ए भी पढ़े कि एम इंटू वी माइनस यू
डेल्टा पी बराबर एम इंटू वी माइनस यू, पढ़े ठीक। अच्छा बच्चों यहाँ पर डेल्टा पी ए भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम इंटू इनको डेल्टा वी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अगर हम ये मान लें शुरुआत में किसका प्रारंभिक वेग क्या है वी वन और अंतिम वेग क्या है वी टू, तो वी टू माइनस वी वन क्या वेग में परिवर्तन, और जहाँ परिवर्तन की बात आता है बच्चे तो वहाँ पर हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं, जैसे समय में परिवर्तन या समय अंतराल, संवेग में परिवर्तन, संवेग में डेल्टा प्रयोग किया गया ना, तो वेग में परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करेंगे डेल्टा वी से। यहाँ लिख दे रहे हैं जहाँ वी माइनस यू बराबर क्या बच्चों डेल्टा वी, कोई प्रॉब्लम। अब ये बताओ समीकरण नंबर एक से क्या यहाँ पर हम संवेग परिवर्तन अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं क्या संवेग परिवर्तन की दर कितना है बच्चों डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी के स्थान पे रखो बच्चों कितना है एम इंटू डेल्टा वी और नीचे अपान डेल्टा टी, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना भाई, डेल्टा पी है डेल्टा पी के स्थान हम मान क्या निकाले एम इंटू डेल्टा वी हम रख दिए यहाँ पर उठा के। अभी बताओ बच्चों डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर एम इंटू यहाँ पर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी को एक साथ ले लिया गया, ऊपर है वेग परिवर्तन नीचे है समय में परिवर्तन अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं त्वरण। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चूंकि त्वरण के परिभाषा अनुसार कि डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, तो इसलिए इसको हम मानते हैं बच्चों समीकरण नंबर दो, तो समीकरण नंबर दो से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर एम इंटू यहाँ पर भैया डेल्टा वी अपान डेल्टा टी का स्थान कितना ए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और एम इंटू ए द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका फार्मूला होता है बल का हो, तो भैया क्या इसके स्थान पर हम एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार डेल्टा पी पान डेल्टा टी बराबर क्या आ गया या? या इनको ऐसा भी लिखते हैं बच्चों कि एफ बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, यही संवेग परिवर्तन और बल में संबंध है, यही संवेग परिवर्तन और बल में संबंध है। देखो दोनों आए हैं कि नहीं, संवेग परिवर्तन डेल्टा पी और एफ बल, तो यही संबंध होगा संवेग परिवर्तन और बल में। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों, हम मान लिए यहाँ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है बच्चों यम है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है यम सॉरी यू है, और हो कुछ समय अंतराल पश्चात कितने समय अंतराल पश्चात डेल्टा टी समय अंतराल पश्चात इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है वी हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या फार्मूला, संवेग परिवर्तन अपान समय अंतराल अर्थात डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। अब डेल्टा पी हम लोग निकाले तो क्या होता, फार्मूला पढ़ चुके हैं पीछे यम इंटू वी माइनस U। इस प्रकार यहां पर V माइनस U को हम डेल्टा V शॉर्टकट में लिख सकते हैं, डेल्टा P बराबर M इनटू डेल्टा V। भैया क्या किए, इसको हम माने थे समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक में डेल्टा P अपान डेल्टा T के स्थान पे हम क्या, डेल्टा P के स्थान पे M इनटू डेल्टा V अपान V डेल्टा T, डेल्टा V अपान डेल्टा T को अलग कर लिए। उसके बाद डेल्टा वी अपान डेल्टा टी को हम क्या नामकरण कर दिए बच्चों त्वरण, क्योंकि त्वरण के परिभाषा अनुसार क्या बताया गया कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं त्वरण कहते, तो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी के स्थान में क्या रख दिया गया बच्चों यहाँ पर ए, तो यम इंटू ए मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान गुणे त्वरण किसकी परिभाषा होती बच्चों बल की, इस प्रकार यम इंटू ए का स्थान क्या रख दिया बच्चों यफ, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर क्या आ गया यफ, मजा आ रहा है ना बच्चा ठीक। तो इस प्रकार यह बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, यही संवेग परिवर्तन की दर या संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, दिस इज फिनिश। तो परिभाषा क्या बनता है यहां से, रिजल्ट क्या निकलता है, न्यूटन का द्वितीय नियम यहां से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये पूरा संवेग परिवर्तन की दर है कि नहीं, समीकरण नंबर एक में देखो कि संवेग परिवर्तन की दर वह डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, और ये क्या है बच्चों बल। इस प्रकार अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं साइड में, वहां से देखना यहां पर, अर्थात बल बराबर
लिख लेना, अर्थात बल बराबर क्या, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। तो परिभाषा क्या बना, अतः लिख सकते हैं कि अतः किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्लियर बच्चों, कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों इसके आगे लिखिएगा, अतः किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल कामा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है। अतः किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है। क्लियर भैया, समझ में आया? तो किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है, बल किसके बराबर है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। तो परिभाषा यहाँ से अपने आप से बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है। क्लियर बच्चों, चलिए अब आगे हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंसर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है बच्चों, अगर कोई वस्तु है उस पर हम जब बाह्य बल लगाते हैं बच्चों, तो उस वस्तु पर जैसे ही बाह्य बल लगता है, तो यहाँ पर बल लगने से आप लोग को बताया गया था कि वस्तु की दिशा और विस्थापन में परिवर्तन हो जाता है ना। किसी भी वस्तु पर बल लगाने से अगर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, तो उस वस्तु, वह वस्तु क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, और उसकी दिशा भी क्या होती है, बदल सकती है ना। बात समझ में आ रही भाई, हम बल लगाकर किसी भी वस्तु को इधर से उधर रख सकते हैं, विस्थापित हुई, और जब विस्थापित हुई तो इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन होना है। वेग का मतलब समझ गए, वेग में परिवर्तन होना है, वस्तु पर बल लगाने से वेग में परिवर्तन। जैसे हम बताए थे आप लोग के एग्जांपल, चलती हुई साइकिल को पीछे से पकड़ के खींच लो, चलती हुई साइकिल को पीछे से पकड़ के खींचेंगे मतलब हम बल लगाएंगे, बल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो साइकिल में जो वेग था पहले, क्या वो वेग रहेगा, क्या थोड़ा धीमी हो जाएगी, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब विस्थापित भी होगी, विस्थापित तेजी से खींच लो पीछे आ जाएगी, विस्थापित भी, डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले तो आगे की दिशा में जा रही थी, अब क्या हो गया, पीछे की दिशा में जा रहे। तो भैया किसी वस्तु पर इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं, किसी निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, क्या, कुल संवेग संरक्षित, संरक्षित मतलब नियत रहता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है, कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल और संवेग में परिवर्तन की जो दर है ये बराबर होती है, या हमें कह सकते हैं किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन की दर संरक्षित रहती है या नियत रहती है। क्लियर, तेज लिखते हैं परिभाषा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय या निकाय पर, इस सिद्धांत के अनुसार,
इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय, समुदाय का मतलब निकाय, इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे तो, कोई बाह्य बल कार्य न करे तो, कोई बाह्य बल कार्य न करे तो, नहीं लिख पाए क्या बालक? इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे तो पूरे निकाय की पूरे निकाय का संवेग नियत रहता है, पूरे निकाय का संवेग नियत रहता है, पूरे निकाय का संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। लिख सकते हैं नियत का मतलब संरक्षित, कंसर्वेशन, क्लियर। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। लिख लिया आप लोग? इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, परिभाषा फिर सुनिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उस पूरे निकाय का संवेग क्या होगा? नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अगर हम कोई वस्तु ले लें, अगर हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तो सीधी सी बात बच्चों, ना तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, ना तो दिशा में परिवर्तन होगा। कि होगा? नहीं होगा। जब यहाँ पर संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु का द्रव्यमान नियत हो, अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक वस्तु है यहाँ पर जिसका द्रव्यमान क्या है बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं एम। क्या मान लिया जाए? एम। और इस पर जो है बाह्य बल शून्य है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। जब कोई बल कार्य नहीं करेगा, सीधी सी बात बच्चों, इस वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ना तो डायरेक्शन में परिवर्तन होगा। कि होगा? नहीं। तो भैया इसका संवेग कितना होगा, मोमेंटम पी इक्वल कितना? अगर हम मान लेते हैं वी वेग से गतिमान है, इस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ, तो इसका संवेग क्या होगा? पी बराबर एम गुणे वी। अब एक दूसरी वस्तु ले लेते हैं, उसका भी द्रव्यमान क्या ले लिए बच्चों? एम। और यहाँ पर भी यहाँ बाह्य बल क्या हो? शून्य हो। और वेग क्या हो? वी। तो भैया इसका संवेग क्या होगा? पी बराबर एम इंटू वी। क्या संवेग में यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ? बताइए। तो इस प्रकार हम यहाँ पर संवेग संरक्षण को स्थापित कर सकते हैं। क्या? कि दो या दो से अधिक निकाय, हम दो निकाय लिए, तीन भी निकाय ले सकते हैं, अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करा तो उसका संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा। क्लियर? तो परिभाषा समझ में आया? एक बार फिर समझते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं की निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उस पूरे निकाय का कुल संवेग क्या होता है? नियत रहता है, अर्थात संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। क्लियर? कॉपी कर लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में जैसे पहली वस्तु है ए और ये दूसरी वस्तु है बी, ठीक है। और एक चीज, अगर आपकी इच्छा है तो इसको P1 मान लो, इसको क्या मान लो? P2। तो इस प्रकार देखें, अगर इसको हम माने समीकरण नंबर एक, इसको मान लेते हैं दो, तो एक व दो से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि P1 का मान जो है P2 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर कोई तीसरा सिस्टम लेना चाहते हैं C, तो यहाँ पर भी अगर रखेंगे हम V, तो वो भी क्या आएगा? P3 के बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया कि संवेग संरचना का सिद्धांत में संवेग क्या होता है? नियत रहता है, यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब आगे कल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक।